डे स्टूडेंट्स, आज हमें कक्षाओं में लेसन नंबर टू में आज हमें पहला वीडियो देखना है। स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना क्या है? देखिए, आज हमें पढ़ना है मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, विलयन क्या है और उसके उदाहरण पढ़ने हैं और उसके गुण पढ़ने हैं। चलिए, अब हम बारी बारी से अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है तो पहले मिश्रण जानने से पहले एक चीज देख लेंगे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, कहने का मतलब है इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। अगर नहीं है तो शुद्ध पदार्थ कौन से है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा खाने का डिब्बा वगैरह, दूध का डब्बा, घी का डब्बा, नमक का डब्बा लेकर आते हैं तो वहां पर लिखा रहता है शुद्ध नमक, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध पनीर, ऐसा आप देखते हो कि लिखा रहता है, या लिखा रहता है 100% प्योर। क्या है 100% प्योर है? नहीं स्टूडेंट, हम 100% प्योर किसे कहें? देखिए, यहाँ पर नमक है तो नमक में भी आयोडीन मिलाया जाता है। आप देखते हैं आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक देखते हैं। यहाँ कुछ कुछ मिश्रण है, घी में भी आप देखते हो वसा चर्बी प्रोटीन मिलाया है, आप देखते हो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है वसा चर्बी प्रोटीन मिलाया है। तेल में भी मिलावट रहती है, पनीर में भी मिलावट रहती है, किस चीज की? पनीर में दूध और पानी की मिलावट रहती है और खामीर वगैरह आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कोई भी पदार्थ हमारे यहां शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो केवल और केवल एक ही कण से बना होता है। चलिए, ये तो पता चला कि कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है, शुद्ध पदार्थ क्या है ये देखना है। तो शुद्ध पदार्थ क्या है देखिए, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना बना होता है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है? जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से बना होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए, हम अपने चारों तरफ हम देखते हैं कि कोई पदार्थ शुद्ध नहीं, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कई शुद्ध पदार्थ मिलकर, एक नहीं कई शुद्ध पदार्थ मिलकर, एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर एक नया अवयव का निर्माण करते हैं, उस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे समुद्र का पानी, उसमें ढेर सारे मिश्रण है, लेकिन जो मिश्रण पूरी तरीके से क्या है? शुद्ध है। इसी प्रकार से आप देखते हैं खनिज, खनिज में ढेर सारे हैं। आप कहें मिट्टी, मिट्टी में भी ढेर सारा मिश्रण रहता है। तो चलिए, यहां से बात क्या निकल के आती है कि
कोई पदार्थ शुद्ध नहीं है, ढेर सारे शुद्ध पदार्थ मिलकर या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम उसी का आधार टॉपिक पढ़ेंगे, मिश्रण। मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है। चलिए अब हम मिश्रण की परिभाषा देखेंगे कि क्या है मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण की परिभाषा क्या होगी, दो या दो से अधिक तत्व किसी अनुपात में आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे मिश्रण। बनाते हैं इसे हम क्या कहेंगे मिश्रण, इसे हम क्या कहेंगे मिश्रण, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण उदाहरण आपको देना है, कैसे देंगे, जैसे मिट्टी, समुद्र का पानी, घी, ये सब क्या है, मिश्रण के उदाहरण। अगर आपको कोई मिश्रण की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, दो या दो से आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण उदाहरण में मिट्टी है, समुद्र का पानी है, घी है, ये सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। उम्मीद है स्टूडेंट मिश्रण उदाहरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिश्रण के प्रकार समझेंगे, क्या समझेंगे स्टूडेंट, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में हमें आज क्या करना है, समझना है। चलिए अब हम मिश्रण के प्रकार के बारे में समझते हैं। स्टूडेंट क्या समझेंगे अभी, मिश्रण के प्रकार के बारे में। चलिए मिश्रण के प्रकार के बारे में समझते हैं, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला और दूसरा ये समांगी मिश्रण, ये समांगी मिश्रण और दूसरा है बी समांगी मिश्रण। ये स्टूडेंट मैं इसका डिटेल में आपको डेफिनेशन के सहित मिश्रण की परिभाषा बताते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो समांगी मिश्रण और बी समांगी मिश्रण। स्टूडेंट चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं समांगी मिश्रण और बी समांगी मिश्रण के बारे में। चलिए अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है और बी समांगी मिश्रण क्या है। डेफिनेशन मैं लिखता हूं समांगी मिश्रण का और बी समांगी मिश्रण का। देखिए समांगी मिश्रण क्या है और बी समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है, बारी बारी से हम देखेंगे। ऐसा विलयन जिसमें सभी कण समान रूप से घुल जाए, ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण समान रूप से मिल जाए, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कण समान रूप से मिल जाए उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी कणों का आकार समान हो, कणों का आकार समान हो, तो क्या है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें कणों का आकार समान ना हो, मैं आकार किसलिए जा रहा हूं, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। समांगी मिश्रण क्या है, तो मैं एक डेफिनेशन बताता हूं, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर सभी कण
जिसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं समांगी मिश्रण के, जिसके अंदर सभी कण समान रूप से वितरित ना हो, कणों का आकार क्या हो, अलग अलग हो। तो हम समांगी मिश्रण का उदाहरण लेते हैं, जैसे आप पानी में नमक मिला, पानी और नमक का घोल, नमक का घोल। देख सकते हैं आप कि पानी में आप नमक मिला देंगे तो नमक दिखता है, नहीं दिखेगा, क्या हो जाएगा, ब्रिश हो जाएगा, घुल जाएगा। इसी प्रकार से पानी और शक्कर का घोल, पानी और शक्कर का घोल, ये भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण। और इसको हम पृथक्करण नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, हालांकि वाष्पीकरण विधि से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं, लेकिन वो काफी खर्चीला समय। अब बात करते हैं बी समांगी मिश्रण की, तो ऐसा मिश्रण जिसमें कणों का आकार समान ना हो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नमक और लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण, जैसे नमक और लोहे का चूर्ण, गेहूं के दाने, गेहूं और सरसों के दाने, सरसों के दाने, ये सभी क्या है, ये सभी आपके बीज समांगी मिश्रण के उदाहरण है। ये स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि समांगी और विसमांगी मिश्रण अगर अंतर निकल हुआ है, ये स्टूडेंट आप लोग इसको लिख सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ। चलिए अब हम अगला बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विलेय। विलेय क्या है, तो विलेय क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जिसमें सभी का आपस में बराबर बराबर क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। आगरा हमारे को दिखा विलेय, चलिए विलेय के बारे में देख लेते हैं, विलेय क्या कहता है, क्या है विलेय। चलिए हम बारी बारी से इसी टॉपिक को डिस्कस करें। चलिए देखते हैं विलेयन क्या, देखिए हमारा टॉपिक क्या है अगला, विलेयन। विलेयन क्या है, क्या है विलेयन, इसी को हमें पढ़ना है। चलिए अब मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ कि विलेयन क्या है, ठीक है। चलिए विलेयन क्या है, विलेयन दो या दो से अधिक पदार्थों का विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन क्या है, विलयन का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको विलयन समझ में आया होगा। विलयन आप प्रतिदिन पढ़ती हैं, आप नींबू पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, सोडा पीते हैं, ये सभी चीज पीते हैं। तो चलिए अब हम विलयन के कई प्रकारों की बात करते हैं। देखिए ऐसे प्रकार हैं जिनमें ठोस द्रव एवं गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन हो, और गैसीय विलयन होते हैं। एक विलयन में कणों के समांगी होते हैं, उदाहरण के लिए नींबू का जल स्वाद सदैव समान रहता है। नींबू का जल का स्वाद क्या होता है, हमेशा एक जैसा रहता है। आप देखते हैं कि नींबू पानी आप पीते ना, उसका स्वाद बदलता नहीं, खट्टा तो खट्टा ही रहता है। इसी प्रकार से हम चीनी और नमक को ले लेते, आप नींबू पानी पीते हैं देखिए कैसा स्वाद है, चीनी और नमक, चीनी और पानी दोनों पिएंगे तो उसका भी स्वाद एक जैसा होगा।
ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसी में, डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिश्र धातु होगी। अरे मिलियन, पहले मिलियन का गुण देख लेते हैं, उदाहरण उदाहरण देख लेते हैं, मिलियन क्या है देख, उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण क्या है, चीनी और न जल, चीनी और जल दोनों मिला दिए क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, दोनों को मिला दिए क्या बन गया, विलयन बन गया। ठीक है, अब देखिए आयोडीन और अल्कोहल, अगला क्या है, आयोडीन और अल्कोहल दोनों को मिला देंगे तो इस विलयन को हम कहते हैं पिक्चर आयोडीन। ध्यान दीजिए एग्जाम में आता क्वेश्चन, कहेंगे पिक्चर आयोडीन, क्या कहेंगे, पिक्चर आयोडीन कहेंगे, आयोडीन प्लस अल्कोहल के लिए क्या कहेंगे, पिक्चर आयोडीन। इसके अलावा आप ढेर सारा पेय पदार्थ पीते हैं, कोक पीते हैं, सोडा पीते हैं इत्यादि, ये सभी चीजें आप पीते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। आप देखते हो जब आप पेप्सी का बोतल ऐसा खोलते हो तो वहां से गैस निकलती है, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या करते हैं उसमें प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर दिया जाता है। जैसे ही आप पेप्सी या सोडे का बोतल खोलते हो उसका झाग ऊपर तरफ बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मिलाई गई होती है। देखिए इसी प्रकार से हम जो हवा सांस लेते हैं, वायु, वायु में आप देखते हैं ये भी विलयन है, कैसे, तो चलिए हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है, कार्बन जो होता है 0.03% होता है, ऑक्सीजन जो होता है 20.78% होता है। इसी प्रकार से अलग अलग गैसें वायु निश्चित मात्रा में होती है। आप जानते हैं कि यहाँ पर अब हमारा अगला टॉपिक आएगा विलयन के गुण, क्या आएगा, विलयन के गुण आएगा। चलिए हम देखते हैं कि विलयन के गुण कौन कौन से हैं, क्या क्या विलयन के अंदर क्या क्या गुणधर्म होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई पदार्थ है, कोई मिश्रण है, उसके गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से गुण होंगे। चलिए हमारा इसी का टॉपिक है विलयन के गुण, विलयन के गुण। चलिए अब जाहिर सी बात है ये तो विलयन है, इसी प्रकार से हर एक पदार्थ का गुण होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विलयन के गुण, विलयन के गुण क्या है। तो पहला गुण है कि विलयन समांगी मिश्रण है, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। पहला गुण क्या है कि विलयन समांगी मिश्रण है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कि विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसे मेरी आंखों से देख नहीं सकते। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण है कि अपने छोटे आकार के कारण इनमें प्रकाश नहीं गुजर पाता, इनमें प्रकाश नहीं गुजर पाता, प्रकाश नहीं गुजर सकता। चौथा गुण देखते हैं, चौथा गुण क्या है कि हम इसको छानने के द्वारा नहीं कर सकते, क्यों नहीं, आप इसको देखेंगे। देखिए विलयन क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्योंकि सभी कण इसमें समान मात्रा में मिलाए रहते हैं। विलयन कण का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए इसे हम मेरी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप चीनी बहुत दिखाई देगा, चीनी कण नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से विलयन कण इतने छोटे होते हैं कि इनमें प्रकाश गुजर नहीं पाता और प्रकाश को फैला नहीं पाते। इसी प्रकार से आप चीनी पानी को घोल लीजिए, पानी के अंदर चीनी को, क्या आप उसको छानने से अलग कर सकते हैं, ये स्टूडेंट उसको आप छानने की विधि से अलग नहीं कर सकते। उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आया होगा और आपको
आपका होमवर्क क्या है, ये बता देता हूँ कि आपका होमवर्क है मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, विलयन क्या है, विलयन के उदाहरण की और विलयन की ऊर्जा बताइए। स्टूडेंट आप लोग इस लेसन को करके मुझे सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।